हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके और ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मैं क्या आपको लेके आने वाला हूँ ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हम रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन, वो के वही सब चीज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है, वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वेक्टर में भी होता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है और कैसे उसका इंटीग्रेशन किया जाता है, ये हम लोग यहाँ पे पूरा इस आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। सो कॉम्प्लेक्स के मैं लगभग 10 से 15 वीडियोस डालने वाला हूँ जिसमें आप एक एक पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स में जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रियल एनालिसिस में उसको डिफरेंशियबल फंक्शन बोलते हैं, पर यहाँ पे इसका नाम एनालिटिक फंक्शन होता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा, मैं सीधा आपको कंसेप्ट बताऊँगा और क्वेश्चन पे आऊँगा। अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन W इज इक्वल टू एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक या एनालिटिक का वही डिफरेंशियबल और सेट टू बी डिफरेंशियबल एट पॉइंट z इज इक्वल टू z0 इफ ये क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन होती है और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, राइट। अगर किसी का भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो यूनिक होता है तो उसका क्या होता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। दिस एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ए रेगुलर फंक्शन, को रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, राइट। अब बात यह होती है कि यहां पर हमें कोई भी एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, तो यहाँ पे कोची-रीमान एक इक्वेशन होती है, जिस इक्वेशन जो एक कंडीशन होती है, अगर कोई भी फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। बट यहाँ पे दिस फंक्शन इज नॉट सफिशिएंट, राइट। कुछ कंडीशन होती है, मतलब दिस इज नेसेसरी बट दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, राइट। तो देखिए आप, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ एक तो दो प्लेन यूज होंगे, एक तो W प्लेन यूज होगा और एक Z प्लेन यूज होगा। Z प्लेन क्या होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इसको हम इमेज रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, राइट। और अगर कोई भी पॉइंट जैसे आपको यहाँ रखा है 2, 3, राइट, ये कोई कोऑर्डिनेट है तो इसको हम बोलते हैं 2+3 आयोटा और ये हमारा z के बराबर होता है, राइट, है ना। दिस प्लेन इज कॉल्ड z प्लेन। ऐसा ही हमारा एक W प्लेन होता है। W प्लेन में क्या होता है, ये जो जितने भी z है इन सभी z से बन के कि W प्लेन बनता है ना। सो मतलब जो W होता है वो फंक्शन ऑफ क्या होता है, Z होता है ना। इन सभी Z से बनने वाले, इन सभी Z की जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग, जैसे मैं आपको यहां बोलूं तो Z में अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट रेखा है U, V, तो यहां पे हम जो Z होता है, जो W होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यू, ये एक्स वाई का फंक्शन होता है प्लस आयोटा वी एक्स वाई, राइट, है ना। तो आपको अगर कोई भी फंक्शन ये चेक करना है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल या नॉट, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, दिस W एंड दिस W इज फंक्शन ऑफ Z, राइट, है ना। जैसे हम वहां बोलते थे, है ना, Y इज फंक्शन ऑफ X, राइट, तो वैसे ही यहां पे क्या होता है, W इज फंक्शन ऑफ Z होता है, क्लियर। तो अब यहां पे CR इक्वेशन क्या होती है, पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर आपको कोई भी W दे रखा है यू प्लस आयोटा वी और आपको ये पता लगाना है कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, मतलब डिफरेंशियबल और नॉट, तो यहाँ पे कंडीशन होती है, वो होती है डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई होना चाहिए और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स होना चाहिए। दिस पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, हाँ, ये भी कंडीशन में एक पार्ट होता है, दिस आर कंटिन्यूस एंड दे आर दे शुड बी एग्जिस्ट, राइट। तो वो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है, राइट। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, राइट। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, आपको चेक करना है कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल और नॉट, है ना। जब डिफरेंशियबल होगा तो हम इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2z आ जाएगा, राइट। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2z होता है, पर वो हम ऐसा नहीं कर सकते, पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई और नॉट, राइट। तो हम क्या करेंगे, एफ जेड, और वी नो दैट, आप बता दूं ये 11th का कॉन्सेप्ट है, जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर होती है। तो जहां जेड है वहां हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1। ये भी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2iota xy प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2iota xy, राइट। दिस इज एफ जेड, और आप जानते हो जो रियल होता है वो हमारा क्या होता है, यू होता है, तो यू की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2xy,
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल यू बाय मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा यहाँ पे 2x, एंड डेल यू बाय डेल वाई कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2y। इसी टाइप से हम इसको चेक करेंगे, पर मैं पहले यहाँ y के रेस्पेक्ट में चेक करता हूँ, तो यह आएगा 2x, और इसको मैं x के रेस्पेक्ट में चेक करता हूँ तो यह आएगा आपके पास 2y। आप देख रहे हो डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई के बराबर है, और डेल यू बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल एक्स दोनों बराबर है, पर एक प्लस का और एक माइनस का। यस, आपको ये कंडीशन है कि दोनों बराबर होने चाहिए, और y वाला मतलब डेल यू बाय डेल वाई क्या होना चाहिए, माइनस डेल वाई, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो ये एनालिटिक का एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट है, और ये इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और इस टॉपिक पर बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन और हम देखेंगे कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो यहाँ पे आपको एफ जेड दे रखा है, सो इट इज ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है आपको, यू कितना दे रखा है देखिए आप, यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और वी आपको गिवन है ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और यू को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन वाई। इसी टाइप से हम यहाँ पे इसको वाई के रेस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे, तो ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। तो हमारी कंडीशन होती है इस बाय सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल एक्स के, या डेल यू बाय डेल एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डेल बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल एक्स इसके बराबर नहीं हो रहा है, राइट। और डेल वी बाय डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स होना चाहिए, तो ये भी बराबर तो हो रहा है, बट यहाँ पे ये बराबर हो रहा, पर दिस इज नॉट इक्वल, सो सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दिस फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज एट एफ इज एफ जेड, है ना। तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, है ना। कभी कभी आपको ओरिजिन पे भी चेक करने के लिए बोल दिया जाता है कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट जेड इज एट एक्स और वाई इज इक्वल टू जीरो और नॉट, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पर एक्स और वाई है वहाँ जीरो जीरो रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स और वाई की जगह जीरो रखेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस वन, और यहाँ एक्स और वाई की जीरो वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा वन, तो ये जीरो जीरो पे भी एनालिटिक नहीं है, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन नॉर्मली तो एनालिटिक नहीं होता, पर ओरिजिन पे एनालिटिक हो जाता है ना, तो वो भी आप कभी आपको क्वेश्चन में बोले तो आपको वो ध्यान रखना है ना। सी ए क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, जेड की जगह रख दिया, देन एफ जेड इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ये हमारे पास वैल्यू होती है। देन हम जानते हैं कि जो कॉस आयोटा वाई है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिखते हैं साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दूँ कि कॉस आयोटा वाई को हम लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक वाई, और साइन आयोटा वाई को लिखते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ये कंसेप्ट होते हैं, इसके भी पीछे पूरा आर्टिकल है, बट वो भी मैं नहीं बता सकता बिकॉज मैं कॉम्प्लेक्स का टॉपिक लेके चल रहा हूँ, वो अपन बाद में देखेंगे ना। सो यू इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, एंड वी इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। नाउ आपको यहाँ पे क्या निकालना, सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स, सो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले अब निकल करेंगे हम वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में आएगा ये साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ये साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। नाउ इसको हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा आपके पास कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का होगा माइनस का साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। हमारी कंडीशन होती है बाय सी आर इक्वेशन, क्या होती है, कोची रीमान इक्वेशन, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल यू बाय डेल वाई होना चाहिए, और डेल यू बाय डेल वाई एंड मैं ये लिख देता हूँ एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। तो बेटा देखो आप, ये दोनों बराबर हो रहा है बिल्कुल, और ये भी बराबर हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सो सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाई एंड दिस फंक्शन इज एनालिटिक, है ना। अब आपको पूछेगी फाइंड द
दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑरिजन और नॉट. तो जहां पर एक्स और वाई वहां पर आप 0-0 रख के चेक कर लीजिए कि ये ऑरिजन पे एनालिटिक हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं है. अगर आपसे कभी कभी ये पूछ ले कि ऑल्सो फाइंड एफ डेज जेड, है ना, क्या पूछ ले आपसे कि इसका एफ डेज जेड निकाल, तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम जानते हैं यहाँ पे जो वैल्यू होती है, मतलब एफ जेड होता है क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है. तो आप जैसे इसका एफ डेज जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, ये डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स. सो ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स. तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी, ये, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ये दोनों वैल्यू आप उठा के रख दीजिए, सॉरी नॉट दिस, दिस है ना, ये और ये दोनों वैल्यू. तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए आप, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, राइट. अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. और आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं, मैं आपको वैसे ही बता दूँ क्या आएगा यहाँ पे, देखो कॉस एक्स और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस आयोटा वाई के बराबर होती है, और माइनस ये आएगा साइन एक्स साइन आयोटा वाई. और ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और वी नो दैट दिस इज कॉस जेड. और हम जानते हैं इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, एफ डे जेड इज इक्वल टू साइन कॉस जेड होता है. तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको समझाया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर सी आर इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम पता लगाएंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, मतलब एनालिटिक है या नहीं. इसके बाद अगले वाला जो टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, कि अगर आपको यू दे रखा है तो आपको एफ जेड कैसे निकालते हैं, या थॉमसन मिलने मेथड होता है. और दूसरा एक और हम बढ़ेंगे जिसके अंदर यू दे रखा है और वो फंक्शन एनालिटिक है, आपको उसका क्या निकालना है, वी निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे.